हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी इस टाइम हूँ मैं उड़ीसा, और उड़ीसा से अभी मैं निकलूँ यहाँ से भैया को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट। भैया की फ़्लाइट है 2:45 की, 2 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली तक की। मैं भैया को छोड़ कर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद कल जाऊँगा मैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए संबलपुर। आज तीसरा दिन है, बारिश होते रुक नहीं रही है, ना तो ज़्यादा तेज़ हो रही और ना मंदी हो रही। या तो एक बार बरस कर रह ले, तो मंदा मंदा बरसा लग रहा है। 48 घंटे तक ज़्यादा हो लिए है, परसों लगा था बरसने, और आज तीसरा दिन है इसे। अब जाकर उड़ीसा में थोड़ी बहुत ठंडक हुई है, ये चढ़ाई का काम चला हुआ था, सारा रुक का खड़ा हुआ। और आज जाएंगे एयरपोर्ट अंकुर भैया का छोड़ने के लिए। अंकुर भैया जा रहे हैं घर सोनीपत, तो अभी हूँ मैं, चलते हैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। सामान पैक हो गया भैया का, और गाड़ी में रखना है, नाश्ता करते और निकल लेंगे। ये बैग भी अंकुर भैया लेकर जाओगे, और ये बैग भी भैया लेकर जाएंगे। ये बैग लेकर जाऊँगा मैं ट्रेन या गाड़ी से। तब तक चाय बना लो, और चाय बना के पीते, पीने के बाद चाय नाश्ता हो जाएगा, और फिर निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट। ये अभी साइड गाल, मतलब कीचड़ इतना मचा हुआ है, सारा काला 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 दिख रहा है, सब कोई लाए हो। ये ट्रक वरक खड़े के अंदर माइंस में पानी भर गया, जिससे कि गाड़ी नीचे से कोयला लेगा ऊपर की तरफ चढ़ नहीं सकती। अभी मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, इससे पहले देखो यहाँ का सूखे हुए का क्या हाल है और गिल्ले का क्या हाल है। रिपोर्ट तो होगी गाड़ी को लेके, रिपोर्ट तो व्यक्ति होगी गाड़ी है ना। अभी पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का रास्ता है भाग्य से राइट हो गया, राइट। अंकुर भैया को छोड़ दिया एयरपोर्ट, हम निकल लिया वापसी बेलपहाड़ की तरफ। ये रहा झारसुगुड़ा एयरपोर्ट। अंकुर भैया को छोड़ दिया मैंने झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, और मैं निकल लिया हूँ बेलपहाड़ की तरफ। बेलपहाड़ जाऊंगा, ये बाकी स्टाफ सारा वहीं पे है, अकेला मैं क्या करूँगा। वहीं पर निकलेंगे, बैठेंगे वहीं थोड़ी दिन, बहुत देर जाकर कल गाड़ी की सर्विस करवाने निकल जाएगा। कल का दिन वैसे ही पास हो जाएगा, तो अब चलते हैं बेलपहाड़, चलते हैं सीधे। ये एयरपोर्ट झारसुगुड़ा का बिल्कुल एक साइड में बनाया हुआ है, मतलब जंगल वाले एरिया में। यहाँ पर मुश्किल से पुलिस भी सिर्फ एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी, वो भी 3 से 4 पुलिस है। और ये देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है साइडों में, बिल्कुल बारिश को हो गया आज करीब 50 घंटे अब तक बारिश रुक नहीं रही है, हल्की हल्की हो ही रही है बारिश।
बारिश में कुछ ऐसा हाल हो रहा अपनी गाड़ी का, बलेरो का। और ये जो इस तरफ से गाड़ी आ रही है सारी झारखंड से आ रही है, और जो इस तरफ जा रही है ये जा रहा भुवनेश्वर रास्ता, भुवनेश्वर और संबलपुर जगन्नाथपुरी इसी रास्ते तक जाओगे रायगढ़। और हम खड़े हैं अभी झारसुगुड़ा में। आगे जाम लगा हुआ है या नहीं है, बस दूसरी लाइन में ओवर टैक ही नहीं ना मार के अपना बेकूफपना दिखाना। जो लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बांस के, इस जंगल में सारे में बांस ही बांस है। मेरे पीछे ना ये हो गए, ये सामने भी बांस रहे। उड़ीसा के कम से भी कम ज्यादा नहीं सोमत है 40% जमीन तो ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, जिसमें जंगल ही जंगल है। ये मेरे पीछे देखो यो भी सारी जमीन खराब, और यह इस तरफ भी खराब है सारी। और यह खड़ी अपनी गाड़ी, मतलब जंगल ही है यो बहुत दूर तक है। और इस तरफ भी, और इस तरफ अपना गेस्ट हाउस है जहां हम रह रहे हैं। ये अपना गेस्ट हाउस उड़ीसा में। अभी 1.5 घंटा रुक गया था मैं अपने गेस्ट हाउस पे, और अभी जा रहा हूँ मैं बेलपहाड़ जो अपना कंपनी का दूसरा गेस्ट हाउस है। अब बाकी दिन वहां पर रुकूंगा जब तक भैया नहीं आएंगे। जैसे अपनी तरफ दिल्ली में जो गाड़ी चला लेगा तो उसे बोल देगा भैया ड्राइवर पक्का हो गया, वैसे ये एक रोड ऐसा है सबसे बिजी रोड है यो इस शहर का झारसुगुड़े का। इस पर अगर किसी ने गाड़ी चला ली तो समझो यहाँ का पक्का ड्राइवर रो चुका है। यहाँ का मानना लोगों का बतावे है, मारते भी एक ने बताई थी कि जो इस रोड पर गाड़ी चला देगा वो यहाँ का पक्का ड्राइवर हो जाएगा। इस पर ज्यादातर ट्रक वाले रहा, ट्रक वाले किसी तक साइड देते नहीं, उन तक साइड लेना बहुत डकाम है यहाँ, क्यों सारा कोयला इसी रोड से होगा निकला। अरे जितने ट्रक जा लाग रहे हैं आप बॉडी में ये सब कोयला लेट जा रहे हैं, और वो सामने तक ट्रक कोयला लेकर आ रहा है और बाकी ये भरे खड़े हैं ट्रक। सामने भाई हमारा दूसरा गेस्ट हाउस कंपनी का, इसमें हमारा बाकी सारा स्टाफ रहा है। अब मैं भी 5 से 6 दिन इसी में रहूँगा, गाड़ी लग जाएगी इसमें नीचे जाए कपड़े टंग रहे हैं पार्किंग में। अभी चलते हैं ऊपर। चाचा दिखाई ना दी तमना गाड़ी मेरी, मुझे दिख गई। फिर तमने फोन भी ना करा। कौन ने? तमने। फिर क्या करता?
बैठ का आते गाड़ी में पहले भी तो घूमना चाहिए। सही बात है।